अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साहिद फारूकी हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक की ज़ियारत और आपकी हयात जिंदगी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन, इस वक्त आप जिस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये खूबसूरत नजारा हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम हजरत सैयद हाजी वारिस अली सा है। आपका लकब आलम पना सैयदुल कामिलीन है। आपकी विलादत 1 रमजानुल मुबारक 1238 हिजरी बामुताबिक 1822 ईस्वी उत्तर प्रदेश देवस शरीफ में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद कुर्बान अली सा बिन सैयद सलामत अली है, और आपके वालिदा का नाम बीबी सकीना उस चांद बीबी बिनते सैयद शेर अली है। आप हसनी सादात है, और आप हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल में से है। आपका सिजराए नसब कुछ इस तरह है। हजरत सैयद हाजी वारिस अली सा, आपके वालिद सैयद कुर्बान अली, उनके वालिद सैयद सलामत अली, उनके वालिद सैयद करम अल्लाह, उनके वालिद मीरान सैयद अहमद, उनके वालिद सैयद अब्दुल अहद, उनके वालिद सैयद उमर नूर, उनके वालिद सैयद जैनुल आबदीन, उनके वालिद सैयद उमर शाह, उनके वालिद सैयद अब्दुल वाहिद, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह, उनके वालिद सैयद अलाउद्दीन आला बुजुर्ग, उनके वालिद सैयद अजीजुद्दीन, उनके वालिद सैयद अशरफ अबी तालिब, उनके वालिद सैयद मोहम्मद महरूख, उनके वालिद सैयद अब्दुल कासिम, उनके वालिद सैयद अली अस्करी, उनके वालिद सैयद अबू मोहम्मद शाह, उनके वालिद सैयद मोहम्मद जाफर, उनके वालिद सैयद मोहम्मद मेहंदी, उनके वालिद सैयद अली रजा, उनके वालिद सैयद कासिम हमजा, उनके वालिद इमाम मूसा काजिम, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद इमाम जैनुल आबदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके वालिद मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह आपका सिजराए मुबारक इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हा से आकर मिलता है, और हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हा का सिजराए मुबारक हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से आकर मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के 2 साल की उम्र में आपके वालिद और 3 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपकी दादी हयातुन निसा ने आपकी परवरिश की। बचपन में आप खेलने के बजाय दुकान से मिठाई खरीद कर बच्चों में तकसीम किया करते और गरीबों में खैरात किया करते। आप रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र में अपने चाचा हजरत सैयद अमीर अली रहमतुल्लाह अलैह से कुरान मजीद की तालीम शुरू की, और 7 साल की उम्र में आप हाफिज़े कुरान हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह पहली बार 15 साल की उम्र में हज के लिए मक्का शरीफ पहुँचे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज के बाद सिले हुए कपड़े पहनना बंद कर दिया, हमेशा अहराम ही बदन पर डालते और हमेशा लंगे पाँव पैदल ही सफर किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की। आप रहमतुल्लाह अलैह सैयद खादिम अली सा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा है। आपके मुरीद में हजरत सैयद बेदम सा वारिस, हाजी अब्दुल हसन सा वारिस, हजरत कलीम सा बाबा, हजरत हाफिज अहमद सा, फसीहर सा, अब्दुल अक सा, मौलाना मोहम्मद साफी और गुलाम वारिस मशहूर है। आपका विशाल 1 सफर 1323 हिजरी बामुताबिक 7 अप्रैल 1905 ईस्वी को 50 साल की उम्र में हुई। आज बहुत से लोग ये एतराज करते हैं कि वारसी पीला रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पीला अहराम क्यों बांधा। तो मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और आपसे अर्ज करने लगा कि सरकार आप पीला रंग का अहराम क्यों बांधते हैं, पीला रंग तो मर्ज की अलामत होता है। तो हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ पीला रंग मर्ज की अलामत होता है, लेकिन मरीज 2 तरह के होते हैं। एक वो मरीज होता है जो दुनियाई मर्ज में गिरफ्तार होता है, और दूसरा वो मरीज होता है जो नबी के इश्क में गिरफ्तार होता है। मैं वो मरीज हूँ जो नबी के इश्क में गिरफ्तार हूँ। अगर मेरे सीने को चीर कर देखोगे तो एक तरफ खुदा का इश्क दिखेगा तो दूसरी तरफ मुस्तफा का इश्क दिखेगा। सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा का वाकया है जब सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत हजरत अहमद रजा खान बरेली शरीफ से देवा शरीफ तशरीफ लाए, वारिस पाक को सलामी देने, वारिस पाक से मुलाकात करने। तो जब नमाज का वक्त आया तो वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आपके तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे कहो ये नमाज पढ़ाए। तो आला हजरत ने कहा हजरत आप नमाज पढ़ाए। तो आला हजरत को वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यहाँ सब हजरत है और आप आला हजरत है, इसलिए नमाज आप पढ़ाए। तो ये मालूम हुआ कि फैजान आला हजरत भी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। आज हम जो आला हजरत को आला हजरत कहते हैं, ये लकब सबसे पहले वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत को दिया। निगाहे वली में ये तासीर देखी है, बदलती लाखों की तकदीर देखी है, और अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।